4849 के पहले भी संगीत काफी प्रभावशाली था, क्योंकि उस समय में दिग्गज संगीतकार अनिल बिस्वास जी, सचिन देव बर्मन जी, खेमचंद प्रकाश जी, हंसराज बहल जी, सी रामचंद्र जी, नौशाद जी जैसे कई संगीतकार थे, नामी संगीतकार थे। इतने महान संगीतकारों के समक्ष किसी नई जोड़ी को खड़ा होना वाकई चुनौती भरा काम था। लोग कहते थे कि ये नए लड़के कहां तक चलेंगे, लेकिन सी रामचंद्र ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और कहा कि देखना, एक दिन ये लड़के हमें हैरान कर देंगे। और वही हुआ, उनकी भविष्यवाणी सही हुई। इतने महान दिग्गज संगीतकारों के समक्ष इस जोड़ी ने संगीत का वो साम्राज्य तैयार किया कि जिसका आज भी कोई सानी नहीं है। वैसे अमूमन देखा जाए तो किसी नामी संगीतकार के नाम दो चार फिल्में होती हैं, कुछ सदाबहार गीत होते हैं, लेकिन शंकर जय किशन की इस जोड़ी ने केवल 22 सालों में वो करिश्मा कर दिया जिसका आज भी कोई सानी नहीं है। तो अगला गीत लव इन टोक्यो से, जिसे पेश कर रहे हैं सर्वेश जी। जाने जनाना तुम मेरे
मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी माननीय तिवारी जी को और चावला जी को कि वह मंच पे आए, और साथ ही सुरीले साजों से सुरीली बरसात करने वाले साजुंदों का परिचय करवाना चाहूंगी। इलेक्ट्रॉनिक गिटार पर सतीश निवसकर जी, कीबोर्ड पर संगत कर रहे हैं मिलिंद दाभोलकर जी, दूसरे कीबोर्ड पर संगत कर रहे हैं अश्विन रोकड़े जी, फ्लूट पर यानी बांसुरी पर संगत कर रहे हैं वरद कल्थपुरकर जी, मैंडोलिन पर नूर सज्जाद जी, सेक्सोफोन पर नंद किशोर अंबेडकर जी, वायलिन पर जितेंद्र जवाड़ा जी, और अकॉर्डियन पर सुराज साठे जी। शहनाई की मधुर धुन पर है विजय बेलवंशी जी, सितार के तारों को झंकृत करते हुए स्वीकार कट्टी जी, तबले पर सुशील गंगवाणी जी, ढोलक पर अजीज मोहम्मद जी, ऑक्टोपेड पर प्रसाद जी, और परकशन पर दत्ता विनेकर जी, और साथ ही हमारी आवाज पहुंचा रहे हैं साउंड को जो संभाल रहे हैं वे नितिन जी। तबला बताया ना आपको, सुशील गंगवाणी जी, गंगावाणी जी, सतीश घामनकर कांगो पर, धामनकर, और मैं पूजा पवार। तो अब तिवारी जी आप आइए। कुछ औपचारिकता निभाने के लिए एकॉर्डियन पर जो विराजमान है इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े जो लता मंगेशकर जी के शो के साथ भी जाते हैं उनको भूल गए हम, क्षमा प्रार्थी है, लेकिन वो हमारे साथी है और हमारे मार्गदर्शक है। ओके थैंक यू। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए हम आभारी हैं कृष्णा जी, कृष्णा बनी रूबन और उनके फैमिली मेंबर्स, ऑफ कोर्स अनमोल फ्रॉम पुरानी जींस रेडियो मिर्ची जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम में काफ़ी सहयोग दिया, और आज भी इधर स्टेज के ऊपर आके आपने देखा पूरी धमाल कर दी उन्होंने। हमारे पुराने मित्र और बड़े दिग्गज मैंडोलिन प्लेयर किशोर देसाई, भूज से आए हुए हमारे मेहमान हर्षुक भाई और मिस्टर गांधी, हमारे जब से हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है 2009 में तब से हमारे हर एक प्रोग्राम में वीडियोग्राफी करने के लिए स्पेशली भूज से आते हैं साधना स्टूडियो के जय कंसारा, और हमारे फोटोग्राफर नितिन, ये खूबसूरत बैकड्रॉप बनाने के लिए जिन्होंने काफ़ी हमारे साथ मेहनत की है वो जीतू शाह, स्नेहा आर्ट्स, और प्रत्येक पास के पीछे एक VCD फ्री देने के लिए हम सेमारू एंटरटेनमेंट लिमिटेड के भी हम आभारी हैं। मेरे क्या अतुल वोरा जी आए क्या, अतुल अतुल जी नहीं, कई हमारे सहयोगी हमारे मित्रों ने हमें इस कार्यक्रम में काफ़ी सहयोग दिया, उसका मैं नाम ताबड़ तो मैं आपको जल्दी बोल देता हूँ, निर्मल पोफलिया, प्रीति कोठी, प्रीति गांधी, अशोक पारेख, दिलीप वोरा
और कपोल सोशल के प्रेसिडेंट शरद शाह और ऑफ कोर्स हमारे ये सुरीले संगीतकार, इन्होंने इतनी मेहनत की है और परसों भी उनके उसने बहुत अच्छा रिहर्सल किया और हमारे सुरीले जब जो सब गायक है गायिका है उनका कोरस का सबको हम आभारी हैं नितिन साउंड और अंत में आप लोग का तो हम डेफिनेटली आभारी है क्योंकि आपके बिना ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होता ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच। वैसे तो राज कपूर जी की अधिकतर फिल्मों में मुकेश जी की ही आवाज़ का इस्तेमाल किया है, लेकिन आवारा के इस एक गीत में मन्ना डे की आवाज़ को राज कपूर के लिए इस्तेमाल किया गया है और मन्ना डे जी ने इस फिल्म के ज़रिए ही शंकर जय किशन के साथ अपना गाने की शुरुआत की और इस गीत की जो मैंने आपको पहले बताया था वो गीत अब आ रहा है और इस गीत को बनाने में शंकर जय किशन जी ने 100 साजिंदों का इस्तेमाल यानी 100 साजों का इस्तेमाल इसमें किया था। दिल से गुजरते हुए हृदय स्पर्शी बोल और संगीत की मधुर बौछारों से गीत हिंदी फिल्मों का गीतों का एक अद्भुत नजराना सबूत है वो ये गीत। केवल गीत ही नहीं बल्कि आवाज को घुमाना, इको निर्माण करना, स्वर समूह से लोगों की भावनाओं तक पहुंचना, ये तकनीक भी शंकर जय किशन जी खूब जानते थे। उन्होंने श्रोताओं की नब्ज पर ही नहीं हाथ रखा था, उन्होंने तकनीक को भी पकड़ रखा था कि उनकी तकनीक आज भी अपने आप में अनोखी है। वे केवल धुने ही नहीं बनाते थे, तकनीक के जरिए श्रोताओं को अपना बनाए रखने की भी उनमें गहन क्षमता थी। तो पेश है आवारा फिल्म का ये गीत जिसे पेश कर रहे हैं सागर जी और सरिता जी। आ जाओ मेरे अश्कों के झिलमिल में समा जाओ कि मुद्दत से सितारे तुम ही को याद करती हैं। Oh,
ये चिता में जिंदा जल रहा हूँ हाय, सांस के आग के ये तीर चीरते हैं आर पार आर पार। मुझको फूल मुझको प्रीत मुझको गीत चाहिए, मुझको चाहिए बहार, मुझको चाहिए बहार, मुझको चाहिए बहार, मुझको चाहिए बहार। क्या बात है, साजों की क्या बात है और तालियों की भी क्या बात है। बरसात ही वह फिल्म थी
जिसमें राज कपूर जी ने पहली बार कश्मीर जाकर शूटिंग की थी और वहाँ के खूबसूरत वादियों को, प्यार के किस्सों को इस तरह से कैमरे में कैद किया और दर्शकों के सामने रखा कि दर्शक उसके मुरीद हो गए। बरसात में एक दृश्य था कि जिसमें राज कपूर जी के हाथों में वायलिन है और उनके दूसरे हाथ में आधी खड़ी हुई, आधी सी लेटी हुई, कुछ झुकी हुई सी नरगिस जी है। ये सीन, ये दृश्य राज कपूर जी के जहन में इस तरह से समा गया कि वो आर के फिल्म का बैनर बन गया। बरसात के सितारे वक्त के साथ साथ मौत की आगोश में समा गए, लेकिन दर्शकों के, श्रोताओं के दिलों में बरसात आज भी कायम है, कई कई बरसातों के गुजरने के बाद भी। दिलीजिए पेश है बरसात फिल्म का अगला गीत, मेरी आंखों में बस गया कोई, जिसे पेश कर रही हैं वैशाली जी। बस गया
अंबा प्रसाद जी के निमंत्रण पर भुज से इस कार्यक्रम के लिए आए हैं। चूंकि समय कम है इसलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए हम प्रोग्राम की ओर बढ़े। शंकर जय कृष्ण जी की फिल्म सफर में उनके अपने कई हमराही थे। शंकर और जय कृष्ण का तब बेजोड़ साथ था ही, साथ ही रिदम सेक्शन के लिए उनके साथ थे दत्ताराम वाडकर जी और ऑर्केस्ट्रा अरेंजर के रूप में लाजवाब सबास्टिन डिसूजा भी थे। लता जी, आशा जी, मुकेश जी, मन्ना डे जी, रफी जी जैसे जानी मानी हस्तियां जब हम राही हो तो सफर शानदार होगा ही। हर धुन को नएपन लिए, हर धुन को ताजगी के लिए शंकर जय किशन जाने जाते हैं। और शंकर जय किशन जितना साजों से प्यार करते थे उतना ही अपने साजिंदों से भी प्यार करते थे। अपने हर साजिंद को वो भरपूर पारिश्रमिक देते थे और यही वजह थी कि उनके साजिंदे उनके कामयाबी के राजदार थे, क्योंकि हर साजिंदे को वो अपने गले लगाकर चलते थे, अपने हमराही बनाकर चलते थे। तो लीजिए पेश है हमराही फिल्म का गीत, जिसे पेश कर रहे हैं सर्वेश्वर जी, सर्वेश जी और आराधना जी। मुझको अपने गले लगा लो ए मेरी हमराही, मुझको
नजर में ढल के उभरते हैं दिल के अफसाने। ये बात और है कि दुनिया नजर को न पहचाने। वो बज्म भी देखी है मेरी निगाह ने कि बगैर शम्मा के भी यहाँ जलते हैं परवाने। अनाड़ी फिल्म का अगला गीत दिल की नजर से आनंद जी और वृषाली जी की आवाज में। दिल की नजर से नजरों की दिल से ये बात क्या है ये राज क्या है कोई हमें बता दे। दिल की नजर से नजरों के दिल से ये बात क्या है ये राज क्या है कोई हमें बता दे। नजर से चांद है या कोई जादूगर है या मधुरी ये तुम्हारी नजर का असर है। हम खो चले चांद है या कोई जादूगर है या मधुरी ये तुम्हारी नजर का असर है। सब कुछ हमारा अब है तुम्हारा ये बात क्या है ये राज क्या है कोई हमें बता दे। दिल की नजर से आज है इतने खुश चांद तारे आकाश में हो रहे हैं इशारे। क्या देख कर आज है इतने खुश चांद तारे I'm
सागर से। ये रात इतनी तन्हा क्यों होती है, किस्मत से सबको शिकायत क्यों होती है, और कभी जो मिले खुदा तो पूछना उससे, जो मिल नहीं सकते उसी से मोहब्बत क्यों होती है। जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म से सर्वेश जी। जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी, तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, शैलेंद्र जी बहुत ही जज्बाती गीतकार थे। उन्होंने अपने जीवन में केवल एक फिल्म बनाई अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति के विस्तार के लिए। अपने मित्र फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक मारे गए गुलफाम को उन्होंने सेल्यूलाइड पर तीसरी कसम के रूप में उकेर दिया। फिल्म में सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिल्म के क्रूर बाजारियत ने इसे नकार दिया। फिल्म औंधे मुंह गिर गई। शैलेंद्र जी इस सदमे को पचा न सके और वे चल बसे। तीसरी कसम को राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक मिला, लेकिन शैलेंद्र जी के जाने के बाद। लीजिए पेश है तीसरी कसम का अगला गीत, जिसे पेश कर रहे हैं सागर जी और साथ में कोरस। अमर सर जी, एक रिक्वेस्ट है, ऑडियंस के साथ दो मिनट बात कर सकता हूँ?
यस भाई और बहनों, ये एक फोक सॉन्ग है और बड़ा मस्ती भरा फोक सॉन्ग है, तो चाहूँगा आप इस गाने में मेरा और मेरे साथियों का साथ दें। आप देंगे? ज़रा ज़ोर से आप साथ देंगे? यस चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मनिया। बर्फी के सब रस ले लिया रे बिजुर्ग वाले मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे बिजुर्ग वाले मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे बिजुर्ग वाले मुनिया। रस ले लिया रे बिजुर्ग वाले मुनिया, थोड़ा के सब रस ले लिया रे बिजुर्ग वाले मुनिया। जियो जियो पलक जाओ जियो। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कनिया, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो बेड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बेड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया 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 रे पिंजड़े वाली मुनिया। थैंक यू। हमने काटी है तेरी याद में रातें अक्सर, हमने काटी है तेरी याद में रातें अक्सर, कि दिल से गुजरती है सितारों की बारातें अक्सर, और तो कौन है जो मुझको तसल्ली देता, हाथ रख देती है दिल पर तेरी बातें अक्सर। फिल्म दिल एक मंदिर से सरिता जी। Thank you.
एक और एक दो नहीं 11 थे। ऑर्केस्ट्राइजेशन और नृत्य की लयबद्धता में शंकर जी की विशेषता थी, तो मेलोडी, सॉफ्ट संगीत और पार्श्व संगीत पर जय किशन जी का अधिकार था। इसीलिए इस जोड़ी की फिल्में संगीत के साथ साथ पार्श्व संगीत के लिए भी याद की जाती है। ठुमरी गजल जय किशन जी की महारत वाले क्षेत्र थे, तो नृत्य गीतों पर शंकर जी का एकाधिकार था। दोनों ने इतनी एकात्मकता से, एक रूपता से धुनों को बुना कि किस गीत के कौन सी जगह पर धुन शंकर जी ने दी है या जय किशन जी ने दी है, ये हमसे ना पूछो। और यही तो हमारा अगला गीत है फिल्म काली घटा से, जिसे पेश कर रही हैं वैशाली जी। जय किशन जी का नियम था कि जब भी वे बंबई, उन दिनों बंबई कहाँ करते थे, बंबई में होते थे, रोज होटल गेलॉट पे जाते थे और वहां की 23 नंबर की टेबल पर जाकर बैठ जाते। उस टेबल पर जाकर बैठते, कभी एप्पल जूस पीते, कभी टेबल पर उंगलियां चलाते, कभी आंख बंद करके कोई धुन गुनगुनाने लगते या कभी उस गेलॉट के बैंड का कोई साज उठाकर बजाने लगते। ये उनका रोज का नियम था। जब भी वे बंबई में होते थे, अपनी इम्पाला कार 4777 से आते थे, सफ़ेद कपड़े पहनकर, गले में चेन डालकर, दोनों हाथ जेब में लेकर कुछ सोचते हुए आते, 23 नंबर के टेबल पर बैठते और कुछ सोचते रहते थे, नई धुन बनाते रहते थे, नए रंग भरते रहते थे। अगला गीत फिल्म राजकुमार से, जिसे पेश कर रहे हैं सर्वेश जी। आगे क्या हुआ बाद में बताती हूँ।
कैसे रंग बदलते दुनिया में इंसान के नियत ठीक नहीं निकला न करो तुम सज धज कर ईमान की नियत ठीक नहीं कैसे रंग बदलते दुनिया में इंसान की नियत ठीक नहीं से जिसे पेश कर रही हैं सरिता जी। Thank you.
निगाह ने ये कैसा ख्वाब देखा है कि जमीन पर चलता हुआ महताब देखा है। फिल्म सूरज से गीत पेश कर रहे हैं सर्वेश जी। मेरा महबूब आया है, मेरा
जय किशन जी आते 23 नंबर की टेबल पे बैठते, वे उस टेबल पर बैठकर शराब नहीं पीते थे, लेकिन वो शराब बाहर से पीकर आते थे और कई बार तो उनकी कार में भी शराब की कई बोतलें हुआ करती थी। एक बार ऐसा ही हुआ कि 23 नंबर की टेबल खाली रह गई, तो होटल के मैनेजर को पता नहीं चला ये क्या हुआ। पता चला कि जय किशन जी अस्पताल में बीमार है, तो तुरंत शकील जी ने 23 नंबर के टेबल पर रिजर्व फॉर जय किशन का बोर्ड लगा दिया, क्योंकि उन्हें यकीन था जय किशन जी आएंगे, और वाकई वो आए भी। फिर 23 नंबर के टेबल पर बैठे, शकील जी ने पूछा तो जय किशन जी ने कहा कि शराब की वजह से उनकी आंतें खराब हो रही है, और उन्होंने वादा भी किया कि वे अब शराब को छोड़ देंगे, लेकिन कमबख्त शराब ने उन्हें नहीं छोड़ा। फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि जय किशन जी को फिर अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिर शकील जी ने 23 नंबर की टेबल पर रिजर्व फॉर जय किशन नामक बोर्ड लगा दिया। इस बार वे इंटेंसिव केयर यूनिट में थे। शकील जी उन्हें देखने के लिए गए, जय किशन जी ने देखा, दोनों की निगाहें मिली। जय किशन जी कुछ कहना चाह रहे थे, शायद वो 23 नंबर के टेबल पर फिर बैठना चाह रहे थे, लेकिन 12 सितंबर 1971 को वो शराब, वो वक्त उन्हें अपने साथ ले गया, और गोविंद महल नामक उनके घर से उनकी शव यात्रा चली। हजारों उनके चाहने वाले उनके साथ थे, और होटल गेलॉट के सामने आकर रुक गई। गेलॉट के बैंड ने उन्हीं का गीत जिंदगी एक सफर है सुहाना ये बजाया, उन्हें श्रद्धांजलि दी और आंखों में आंसू भरकर उन्हें अंतिम विदाई दी। लेकिन होटल के मैनेजर ने जय किशन जी के जाने के 12 दिन बाद तक टेबल पर रखा रिजर्व फॉर जय किशन। लेकिन हकीकत ये है कि हजारों हजार लोगों के दिलों पर आज भी लिखा है रिजर्व फॉर शंकर जय किशन। अगला गीत मुरली बैरन भाई, न्यू दिल्ली, फिल्म से सरिता जी। प्यार जता के तन
जय किशन जी के जाने के बाद शंकर जी ने कई फिल्मों को संगीत दिया, बेशक शंकर जय किशन के नाम से। भारत सरकार द्वारा शंकर जी को पद्मश्री की उपाधि भी प्रदान की गई और 26 अप्रैल 1987 को हार्ट अटैक की वजह से शंकर जी का भी देहांत हो गया। अगला गीत जिस देश में गंगा बहती है, जिसे पेश कर रहे हैं आनंद जी और वृशाली जी। अब लौट चले मैं
अगला गीत बसंत बहार से, जिसे पेश कर रही हैं सरिता जी। इसी के साथ ये प्रोग्राम यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।